Hello, good morning students. Today in 11th class mathematics, we are continuing with the miscellaneous exercise of sequences and series. Question number 12 तक अभी हम लोग ले चुके थे. Today we are starting our class with question number 13. Question number 13 में क्या दिया हुआ है देखो जरा. If a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx. ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, शो दैट ए बी सी डी दीज फॉर्म अ जीपी. ए बी सी डी प्रूव दैट ए बी सी एंड डी फॉर्म अ जीपी. अब अच्छे सुनना, अगर कोई दो रेशियोज इक्वल दिए हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस अगर है, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ अगर है, तो एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर में लिख दो. P में आपने Q ऐड किया, ऊपर लिख दिया, और P में से Q सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दिया. P में Q ऐड किया, ऊपर लिखा, P में से Q सब्ट्रैक्ट किया, नीचे लिखा, और R में S ऐड किया, ऊपर लिख दिया, और R में से S सब्ट्रैक्ट किया, नीचे लिख दिया, है ना. इस चीज का यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा. अब जैसे एग्जांपल के लिए ये तीनों वैल्यूज, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. सपोज इस पूरे की वैल्यू के अपॉन वन के बराबर है, मतलब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है और ये इस रेशियो के बराबर है. सपोज द आंसर टू दिस इज के अपॉन वन, तो हम लोग एक एक करके ले ले रहे हैं. ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स विल बी इक्वल टू के अपॉन वन. सपोज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेशियो. अब इसमें क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स विल बी इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन. बस इतना ही सा है इसमें सॉल्व करने का, ज्यादा नहीं है. तो क्या आ जाएगा बच्चों, इससे कुछ गड़बड़ लिख दिया है. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली गड़बड़ लिखा है. न्यूमरेटर में हम पूरा एक बार अच्छे से लिखकर बता देते हैं. न्यूमरेटर में आपने डिनोमिनेटर एड किया, ऊपर लिख दिया, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया और नीचे लिख दिया, बस. अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करने पर ये ए और ए कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा, टू ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, टू बी एक्स विल बी इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, ऐसा कुछ आ जाएगा. और इसमें ए अपॉन बी की वैल्यू के प्लस वन इंटू एक्स अपॉन के माइनस वन, ऐसा कुछ आ जाएगा. एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. अब बी अपॉन ए बच्चों, इससे क्या मिलेगा, बी अपॉन ए अगर आप निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू एक्स. हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, बी अपॉन ए. बी अपॉन ए की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि बच्चों ये तो मालूम है बी अपॉन ए कॉमन रेशियो होता है ना. अब इसी टाइप से सेकेंड वाला रेशियो ले लो. सेकेंड वाला रेशियो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स विल बी इक्वल टू के अपॉन वन. इसको कैसा लिखेंगे, यह आ जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, ऐसा कुछ आएगा. अब इसमें सी एक्स और सी एक्स कैंसिल होगा, फिर से वही गलती कर दी जो भी हमने वहां पर करी, b प्लस सी एक्स लिखा और सब्ट्रैक्ट किया b माइनस सी एक्स. अब इधर पर क्या कैंसिल होगा, b और b कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन 2cx विल बी इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन, ऐसा कुछ आएगा. अब इसमें b अपॉन c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k प्लस वन इंटू एक्स
अपॉन के माइनस वन, सो दिस इज व्हाट यू गेट। इससे सी अपॉन बी निकाल लो तो सी अपॉन बी कितना आ जाएगा बच्चों, सी अपॉन बी विल बी इक्वल टू के माइनस वन अपॉन इसका रेसिप्रोकल अपॉन के प्लस वन इंटू एक्स। अब इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, एंड सिमिलरली इट कैन बी शोन, सिमिलरली वर्ड अब हम यूज कर रहे हैं, सिमिलरली इट कैन बी शोन इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन सी। देयरफॉर ए बी सी डी आर एन जी पी ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक और तरीका है, एक और तरीका अभी हम तरीके आपको बता देते हैं, है ना, आपको जो भी अच्छा लगे। मान लीजिए के नहीं लेना, बिना के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे देखो आप ए प्लस बी एक्स, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये पसंद आ जाए, हमें तो अच्छा लगता है बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। ये पहले दोनों फ्रैक्शंस लिख लिए, पहले दोनों फ्रैक्शंस लिखेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस, ऐसा कुछ आएगा। अब ये कितना मिलेगा, 2a अपॉन 2a अपॉन 2bx विल बी इक्वल 2b अपॉन 2cx। लो भाई ये तो खत्म हो गया, है ना, इजी है ये, a अपॉन b विल बी इक्वल b अपॉन c और रेसिप्रोकल लगा ले लो तो b अपॉन a विल बी इक्वल c अपॉन b, b अपॉन a इज इक्वल c अपॉन b, तो ए बी सी तो जीपी में आ गए। अब इन दोनों को अगर आप ले लोगे, है ना, तो आपको आंसर ही आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स विल बी इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ऐसा कुछ है, है ना। अब देखना ध्यान से क्या करना है, फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, भाई इसमें नीचे वाले को एड कर लो, कितना आ जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स, बस इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा टू बी अपॉन टू सी एक्स विल बी इक्वल टू 2c अपॉन 2dx, तो क्या मिलेगा b अपॉन c विल बी इक्वल टू c अपॉन d, इससे c अपॉन b रेसिप्रोकल इज इक्वल टू d अपॉन c, सॉल्व भी हो गया बच्चों, देखो c अपॉन b और ये भी c अपॉन b, तो आंसर क्या आ गया b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c, बस इसको देखो आराम से अभी हम लोग कह सकते हैं b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c, therefore a b c d r n g p, है ना। so this was question number 13। question number 14 देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेट एस बी द सम पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, क्वेश्चन नंबर 14 में एस इज द सम ये ऐसा दिया है और पी क्या दिया है बच्चों, P be the product ये ऐसा दिया है और R क्या दिया है, R is R क्या है, it is the sum of the reciprocals, S is the sum of the reciprocals,
सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी 1 अपॉन ए, भैया इनके रेसिप्रोकल ले लो, पहले ए आर ए आर स्क्वायर को जोड़ा, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रेसिप्रोकल लेकर जोड़ दिया, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन ए, ऐसा दिया है प्रॉब्लम में कि इसका जो आंसर आएगा उसको आर लिखा है, बस अब इनमें रिलेशन निकालना है ना। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और प्रूव क्या करना है बच्चों ध्यान से देखना, पी स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ एन ये प्रूव करना है। अब पहले तो ये निकाल लें, ये कितना आ जाएगा ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बस खत्म, ये इतना ही सर। अब इसमें कितना आएगा, ए कितनी बार मल्टीप्लाइड है, दो बार होता तो ए स्क्वायर, तीन बार होता तो ए क्यूब, चार बार होता तो ए टू द पावर फोर, लेकिन ये एन टाइम्स है तो ए इंटू ए एन टाइम्स इंटू आर के ऊपर वन प्लस टू प्लस थ्री, कितने एन माइनस वन टर्म्स, एन माइनस वन टर्म्स रहेंगे, आखिरी टर्म भी n माइनस वन रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में ये कितना जाएगा, a टू द पावर ऑफ n आएगा, a को अगर चार बार मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर ऑफ 4 आएगा, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो a टू द पावर ऑफ n, है ना। अब ये बच्चों ap है, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या चीज है, ap और ap का जो सम है बच्चों, ap का जो सम है वो कैसे मिलता है, n बाय 2, एपी का जो सम है वो कैसे मिलता है, एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, है ना। तो ये है एन माइनस वन बाय टू इंटू ए प्लस एल, पहला टर्म बच्चों वन है और आखिरी टर्म कितना है एन माइनस वन, तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर ऑफ एन आर टू द पावर ऑफ ये एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। अब देखना अच्छे से, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, है ना, बहुत एकदम सिंपल है, बस चिंता भर मत करना। ये भी एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, वन बाय ए कॉमन रेशियो वन बाय आर, है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय ए और 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन 1 माइनस आर, है ना। अब इसमें हम लोगों ने ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन लिखा, मतलब आर ग्रेटर देन वन अस्यूम किया, यहां पर क्या ले लिया, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर ऑफ, किसी को अगर जरा सी भी कंफ्यूजन होता है, नो नीड ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट फॉर्मूलेस, ए इंटू, बस ये एक स्टेप थोड़ी सी बढ़ जाती है इसमें, ये कितना आ जाएगा, वन बाय ए नीचे आ गया, अब आगे वन अपॉन, ये क्या चीज है बच्चों, वन अपॉन आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, वन माइनस आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन आर टू द पावर ऑफ एन इंटू वन माइनस आर, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और ये सॉल्व करने पर वन अपॉन ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये आर के ऊपर एन है, आर के ऊपर वन है, और इधर कितना आ जाएगा, आर के ऊपर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बस फिनिश, ये आर आ गया। अब देखना ध्यान से, अब आर आ गया, पी आ गया, एस आ गया, आपको क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर ऑफ एन, है ना, पी स्क्वायर इसको स्क्वायर करना है इंटू आर टू दोबारा फिन, इसको आर टू दोबारा एन करना है ना, इधर स्क्वायर करना है इधर आर टू दोबारा फिन, तो अब दोनों चीजें अब यहां पर कर ले रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि आर की वैल्यू तो लिखी हुई है, पी भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है, ये पोर्शन जो है ये अभी हम रब कर दे रहे हैं। अब देखना, लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लू, कितना आएगा,
होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिख लिया। अब आर टू द पावर ऑफ एन, आर के ऊपर एन का पावर, आर के ऊपर एन का पावर लगाएंगे तो कितना आएगा? इसके ऊपर तो एन आ गया और नीचे भी आर माइनस वन के ऊपर एन आ गया और इधर कितना आ जाएगा? ए के ऊपर एन आ गया, ए के ऊपर एन, आर के ऊपर एन माइनस वन है, आर के ऊपर एन माइनस वन है एक, आपने इसके ऊपर एन का पावर लगाया तो क्या आ जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे एन इंटू एन माइनस वन। अब इधर कितना आ जाएगा? आर माइनस वन, सभी के ऊपर कितना पावर लगा दे रहे हैं? सबके ऊपर टू द पावर ऑफ एन। अब देखो क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ? कितना आ जाएगा? ए टू द पावर ऑफ एन इंटू ए टू द पावर ऑफ एन, ये और ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, पावर अगर टू का लगाएंगे तो ये इधर तो अभी ए टू द पावर ऑफ एन का होल स्क्वायर कर दिया, ये दो बार क्यों मल्टीप्लाई किया? ए टू द पावर ऑफ एन का होल स्क्वायर, ये सर आर के ऊपर इसके ऊपर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू, और नीचे क्या है बच्चों? ए के ऊपर एन, आर के ऊपर एन इंटू एन माइनस वन, और इधर क्या है? पता नहीं क्या क्या आ रहा है, देखो जरा बहुत मुश्किल सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए टू द पावर ऑफ एन इंटू ए टू द पावर ऑफ एन, ये पूरा देखो, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या बचा? आर टू दोबारा बेन माइनस वन अपॉन आर में, अरे ये तो खत्म ही हो गया, देखो किसी को अगर देख गया हो, ये एन छूट गया था। अब इस पूरे में से एन, पूरे में से एन निकालकर ऊपर एक कॉमन एन ले ले रहे हैं, तो क्या बचेगा? ए आर टू दोबारा बेन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसे कुछ आएगा। अब देखो ये क्या चीज है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये बच्चों एस टू दोबारा बेन है, ये क्या चीज है? ऐसे है और ये एस टू दोबारा बेन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट वी स्टार्टेड विद, व्हाट द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज व्हाट द राइट हैंड साइड। चलो नेक्स्ट ले लें, द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ एन एपी 15th, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में एपी दिया है, पीएथ टर्म कितना है? पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बच्चों बी है और आरएथ टर्म सी, ऐसा दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस ऐसा दिया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए क्यों लिखा? क्योंकि स्मॉल ए प्रारंभिक दिया हुआ है। इसको क्या लिखें? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको क्या लिखें? अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है पहले वो देखिए, आपको प्रूफ करना है क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी,
इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, द लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी इंटू सी है बच्चों, ये c छूट गया था शायद, p माइनस q इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करूं, ए बी सी की वैल्यूज रख लू, देखिए कितना जाएगा q माइनस आर इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू बी की वैल्यू क्या है, और क्या है, पी माइनस क्यू इंटू सी की वैल्यू, बस सिंपल है बच्चों, चिंता मत करना, देख करके ये बहुत बड़ा बड़ा है। ये देखो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू, हमने क्या किया, पहले इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई इसको पूरे से करना है लेकिन अब लिखेंगे अलग थोड़ा सा, इसको इसके साथ लिखो, d इंटू q माइनस आर इंटू पी माइनस वन प्लस d इंटू आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन प्लस d इंटू पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें क्या करोगे, a कॉमन ले लो पूरे में से, ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ आया, प्लस d इंटू क्या जाएगा, q माइनस आर, इसको सॉल्व करो, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर, ये पहला ब्रैकेट खोला, क्यू पी पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर, अब इसको सॉल्व करो, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू एंड प्लस पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर एंड प्लस क्यू, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये ओपन ऑल दी ब्रैकेट्स है ना, जरूरी नहीं है बच्चों हर स्टेप आप बिल्कुल फॉलो करो, आप एक बार आइडिया लग जाए आप खुद करना, वीडियो को पॉज करके, ये पी आर और ये पी आर कैंसिल होगा बच्चों, है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, आर क्यू, आर क्यू ये कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस क्यू, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया और माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो, सो द आंसर टू दिस इज व्हाट, जीरो। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये है कि आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, जैसे जैसे जो स्टेप्स हैं वो करते चले जाना है, यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बहुत सिंपल है, ये हम आपको एग्जांपल की मदद से बता देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है कि भाई एपी में अगर ये मान लीजिए 2, 4, 6, 8 अगर दिया है, ये एपी है, अगर आप सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या ये AP
कोई और प्रोग्रेशन बन जाएगा, क्या वो जीपी बन जाएगा या एपी नहीं बचेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखो जरा टू से डिवाइड कर, तो भाई ऑन डिवाइडिंग एपी बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर द एपी स्टिल रिमेन्स एन एपी, अभी भी ये एपी है। इफ यू आर डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय टू, टू से नहीं, आप किसी और नंबर से 10 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, एपी स्टिल रिमेन्स एन एपी, एपी अभी भी एक एपी ही रहेगा। मान लीजिए आपने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड की जगह तो क्या आ जाता, 20, 40, 60, 80, तो क्या ये एपी है कि नहीं? दिस इज स्टिल एन एपी, है ना। फिर उसके बाद सारे टर्म्स में से सपोज -5 कर दो, -5 कर दिया तो -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें दिस इज स्टिल एन एपी। तो कहने का मतलब यह है कि एडिशन का और ले लो भाई, एक ही तो ऑपरेशन बचा है। सपोज +7 कर दिया सभी में 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 9, 11, ठीक है, 13, 15, तो एपी स्टिल एन एपी। तो क्या प्रॉपर्टीज क्या बच्चों इसमें, प्रॉपर्टीज ये हैं कि ऑल द टर्म्स If we add or subtract, a constant number from all the terms of an AP, then AP remains an AP. एपी अभी भी क्या रहेगा, एक एपी रहेगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर, देन एपी रिमेन्स एन एपी, एपी जो है अभी भी क्या रहेगा, एक एपी रहेगा। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज अभी हम लोग यूज करने वाले हैं आगे के प्रॉब्लम है, इनमें से हो सकता है शायद एक आध दो ही यूज हो। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए इंटू 1/b देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में इफ ए इंटू 1/b प्लस 1/c then you have to prove that ABC are an AP. क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, A into B plus C upon BC, B into A plus C upon AC, C into B plus A upon AB, these are in AP. ये सारे AP में, थोड़ा सा simplify भर किया, इसका मतलब क्या है, AB plus AC upon BC and AB plus BC upon AC and BC plus AC upon AB are in AP. Simplify भर किया, अगर ये 3 टर्म्स एपी में हैं, इनमें अगर आप 1 ऐड कर दो तो अब हम क्या लिख रहे हैं, इफ दीज टर्म्स आर इन एपी देन ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस 1, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1 एंड बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस 1 आर इन एपी।
मतलब अगर बच्चों 5, 10, 15 अगर 5, 10, 15 अगर एपी में है, ये तो एपी में है, तो आप इन सारे टर्म्स में अगर आप 1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 6, 11, 16, ये भी एपी में रहेगा। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलने वाले, ध्यान से देखना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, एंड ए बी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, दीज आर इन ए पी, ये ए पी में। और अगर बच्चों ये ए पी में है तो इन सारे टर्म्स को, इन सारे टर्म्स को अगर आप डिवाइड कर दो किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, डिवाइड ऑल दी टर्म्स बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी, आर एन ए बी, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई ऑल दी टर्म्स बाय ए बी सी, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी। हमने बोला आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपने एबीसी से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एबीसी अपॉन बीसी, एबीसी अपॉन एसी एंड एबीसी अपॉन एबी, दीज आर इन एपी। मतलब क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी आर इन एपी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट टर्न। दैट्स ऑल फॉर टुडे।